हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पापड़ के पुलाव। इसको स्टार्ट करने के लिए हम लेंगे पहले 3 चम्मच तेल। इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे हम तेल को। उसके बाद हम इसमें 2 पापड़ लेंगे और उसकी बारीक बारीक कतरन कर देंगे, या बाज़ार में जो कतरन अवेलेबल रहती है पापड़ की, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी तला जाते हैं पापड़, तो जब ये पापड़ आप तल लीजिए, थोड़ा चम्मच हिलाते रहिए इसके बीच बीच में, और जब आपके पापड़ तल जाए प्रॉपरली सारे अच्छे से, देखिए हमारे पापड़ सब रेडी हो गए हैं। जब सारे पापड़ आपके तल जाए तो इनको अपन एक प्लेट में निकाल लेंगे कढ़ाई में से बाहर। फिर जो तेल हमारा गर्म है उसमें हम थोड़ा सा राई डालेंगे, थोड़ी सी जीरा, एक चिमटी हींग, चम्मच मिर्ची, 1 कटोरी पानी, 1 कटोरी चावल हमने पहले से बॉईल करके रख रखे थे वो डाल देंगे इसमें, 1 नमक स्वाद अनुसार, इसको प्रॉपर से हिलाते रहिए, 4-5 मिनट हिलाने के बाद में ये आपके चावल थोड़े उबाली जब आ जाए इसमें एक, उसके बाद इसमें हम जो पापड़ हमने पहले तल के रखे थे वो पापड़ हम इसमें डाल देंगे सारे। इसको थोड़ा सा हम ढक के रख देंगे 8-10 मिनट के लिए। देखिए ये 10 मिनट के बाद में इस तरह से रेडी हो जाएगा। इसमें हम 1 कटोरी छाछ डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे इसके अंदर हम। ये सबको प्रॉपरली हम अच्छे से हिला लेंगे, तैयार कर लेंगे। जी देखिए, ये हमारा जो है पापड़ वाला पुलाव बनके तैयार हो गया है। आप गरम गरम सर्व करिए, काफ़ी अच्छा और स्वादिष्ट लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।